हे माया, हाय। क्लासेस खत्म हो गई तुम्हारी? माया, नहीं, मेरी एक और क्लास है इकोनॉमिक्स की। क्योंकि मेरी क्लास खत्म हो गई। लेट्स गो फॉर कॉफी। मुझे क्लास जाना है। एक दफा क्लास बंक कर लोगी तो कुछ नहीं होगा। मैं, पता है, मैं बंक नहीं करती हूँ। क्यों? कुछ नहीं होता माया, फिर इधर ही बैठ जाते हैं। जस्ट यू एंड मी। नो। बुक रह गई थी मेरी। ओके अम्मू, कुछ नहीं हुआ। तूने कुछ नहीं देखा और किसी को कुछ बताना भी नहीं। आया, आई एम सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि विकी, बात को यहीं खत्म कर दो प्लीज। रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है? इमरान ने देख लिया है तो पता है मेरी रेपुटेशन के लिए क्या है। माया, इमरान को मैं संभाल लूंगा। तुम तो सबको संभालोगे ना, तुम तो हीरो हो। अब इससे पहले कि वो फिर से देख ले, आई एम गोइंग। माया, देख लेगा तो क्या? माया, क्या हो गया तुम्हें? इमरान इमरान इमरान, ये हमारी जिंदगी है और हम जो चाहे करें। तुम्हारी जिंदगी, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम कुछ नहीं समझते हो, या शायद तुम समझना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें हर चीज मजाक लगती माया, है। मैं सब समझता हूँ, डोंट वरी, मैं सब संभालूंगा, जस्ट ट्रस्ट मी। और फिर उस इमरान का मुंह इतना बड़ा है, पता नहीं किस किस को क्या क्या बता देगा। फिर वो आगा को भी बता देगा। शिट, ही इज गोना किल मी। व्हाट? तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि आगा को पता लग जाएगा? कौन है ये आगा और क्या जरूरत है उसको हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने की? और माया, अगर उसको पता लग भी गया ना, तो मैं देखता हूं कि वो क्या कर लेगा। अच्छा रिलैक्स, कुछ नहीं होएगा, मैं सब संभाल लूंगा। आई होप सो। डायरेक्ट सेल्स और पर्सनलाइज सेल्स के लिए प्रमोशन कैंपेन्स तैयार करते हैं, तो क्या इसके लिए हर दफा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का सहारा लेना जरूरी होता है, या वर्ड ऑफ माउथ से ही काम चल जाता है? व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली। प्लीज वेक अप माया, हम ये चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे हैं। वी आर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, वेक अप। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, कंज्यूमर बिहेवियर्स वेरी करते हैं रीजन्स के हिसाब से।
माया, माया क्या हुआ? क्या हुआ तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों? तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो ना आपा? हाँ तो फिर खुद ही समझो। बकवास। जी आगा साहब, सही बात है, माया तो आपसे प्यार करती है, इनफैक्ट वो तो आप पे मरती है। क्यों आगा? माया मिकी से प्यार करती है, इनफैक्ट बहुत प्यार करती है, पूरा कॉलेज जानता सिवाय आपके। देखो आगा, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि माया मिकी को चाहती है या नहीं, लेकिन मैं इस बात की गारंटी जरूर ले सकती हूँ कि वो तुम्हें नहीं चाहती, और तुम ये जितना जल्दी समझ लो ना अच्छा है। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ अगर कोई लड़की किसी को चाहती है तो किस तरीके से बिहेव करती है। लेकिन तुम्हें ये दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम तो अंधे हो। अच्छा आगा एक बात बताओ, मैं जब से इस कॉलेज में आई हूँ मैंने एक चीज नोट की है, तुम्हारे और मिकी के बीच में पंगा, ये सब कहाँ से शुरू हुआ, क्या है ये? बहुत साल पहले। इसका मतलब कि तुम मिकी को कॉलेज से पहले से जानते हो? बहुत साल पहले से, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं इसको। कैसे? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रही हूँ?